जब वो जिला पंचायत उठा तो हमारे ही पिताजी उसको मतलब जितवाने के लिए काम किए अच्छा, विजय उस गांव में पूरा। मतलब आपके पिताजी उसके साथ वोट मांगे थे। जी जी अच्छा, ये विवाद शुरू कब कब से हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था? 2014 में। 2014 में। हम इस समय देवरिया में हैं और हमारे बगल में देवेश दुबे हैं। सबको पता है कि अहिंसा, गांधी की अहिंसा वाले देश में किस तरह से 2 अक्टूबर को हिंसा हुई और इनका पूरा परिवार आज इस दुनिया में नहीं और इस गांव में नहीं जा रहे हैं, भय के माहौल में जी रहे। यहां पे देवरिया के सदर विधायक सलभ मणि के देख रेख में यहां पे मौजूद हैं और हम इनसे अब बात करेंगे। कई दिनों से चर्चाएं गर्म थी, आज ये कैमरे के सामने आ रहे हैं पूर्ण रूप से। देवेश, सबसे पहले ये बताइए, उस दिन रात को आप जब घर से निकले, क्या इस तरह का कोई माहौल देखने को मिला था? नहीं मिला था। आप घर से क्या कह के गए थे? हम घर से कह कर गए थे कि हम जा रहे हैं बलिया पूजा में। भाई बोला कि भैया जा रहा है तो ठीक, लेकिन मेरा 2 अक्टूबर को जन्मदिन है। 2 अक्टूबर को हाँ, तो वो बोले कि तुमको क्या चाहिए, तुम बोल दो, तुम्हारी खुशियों के लिए मैं सब कुछ करने के तैयार। अच्छा, ये बताइए, जब घर से निकले तो पिताजी आपको छोड़ने गए थे? हाँ, छोड़ने गए थे, देवरिया तक आए थे। तो पिताजी क्या कहे जाते हो? बोलते बाबू तुम संभाल के जाना, किसी दूसरे एरिया में तो हम जाने नहीं देंगे, लेकिन तुम जाना, सोच समझ कर जाना, पिताजी कहे। जी अच्छा, इस तरह से पहले कोई ऐसा माहौल तो नहीं था घर में कि कल कुछ होने वाला है, तनाव हो चाहे किसी से मिलना है जुलना है? अब अचानक दो दो तीन तीन बार कई कार्यक्रम हम दूर दूर गए हैं, जैसे गोरखपुर भी गए थे तो गोरखपुर ऐसे ही आश्वासन दिए, ऐसे आश्वासन। हाँ, तो लेकिन वो अब कुछ कहा नहीं जा सकता है उनका, लेकिन अच्छा ये बताइए, लगातार ये कहा जा रहा है कि वो भूमाफिया था, दबंग था, जमीन कब्जा करता था, अखबारों में सुर्खियां बन रही, आप उसको, उस गांव के रहने वाले हैं, आप उसको जानते हैं, आखिर किस प्रकार का व्यक्ति था वो? बहुत खराब, खराब मतलब दूषित प्रकार का विचित्र आदमी था वो। दूषित प्रकार का? हाँ। अच्छा, इसके पहले भी आपके घर कभी आता जाता था? जब हम लोगों से जैसे मतलब जब वो जिला पंचायत उठा तो हमारे ही पिताजी उसको मतलब जितवाने के लिए काम किए। अच्छा, विजय उस गांव में पूरा। मतलब आपके पिताजी उसके साथ वोट मांगे थे? जी जी। अच्छा, ये विवाद शुरू कब कब से हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था? 2014 में। 2014 में क्या हुआ था कि जो है ये विवाद की जड़ पनप? अब जो 2014 में वो खेत आपका चाचा का लिखवा लिया? जी जी। चाचा आपके अपने से गए थे वहाँ कि वो लेके गया था? पहचान पत्र बनवाने के हिसाब से गए थे वो। गए थे और उसके बाद वहाँ से आए नहीं? वहाँ से आए नहीं। अब वो जैसे ये होता है ना, जैसे वो जान गया कि मेंटल है, तो उसका छोटा भाई राम जी है, सभी हाँ, और हमारे परिवार ने मिल करके उसको मेंटल घोषित करके और नशीला पदार्थ दे करके सब कर दिया। अच्छा, तो ये बताइए, उसके बाद वहाँ से कभी अपने घर, आपके घर वो आपके चाचा आए कभी 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने बाद? नहीं, कभी नहीं आए। आप लोग बुलाने जाते थे? कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो लोग कहते थे कि मतलब खामपर थाने में, जैसे भाटपर रानी में कई बार रिपोर्ट हम लोग किए तो बोले कि ठीक है, गुजरात है, घर पे है, कल नहीं परसों हम लोग प्रशासन द्वारा भेज दिए जाएंगे। अच्छा, घटना वाले दिन सुबह क्या हुआ? घटना वाले सुबह दिन में भाई हमारे 6 बजे फोन किया, बोला भैया कि हमारे घर पे आकर के लोग प्रेमचंद्र यादव झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा करवाने के बाद सबको पिताजी को मार भी रहे हैं, हम लोगों के घर में पूरा गुंडों को लेकर आकर के मारवा पिटवा रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि प्रेमचंद आए आपके दरवाजे पे, पहले उनकी हत्या हो गई, हालांकि ये संशय बरकरार है, लगातार लोग कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी को मारेगा, घर पे नहीं बैठा रहेगा। अगर कोई ऐसी घटना हुई थी तो आपके पास फोन गया? नहीं गया था। नहीं गया था ना? वो लोग घर वालों को कुछ नहीं पता था? कुछ नहीं पता था। आपका भाई गांधी फोन किया तो आपसे क्या कहा? बोला भैया कि देखिए, केवल ये लोग प्रेमचंद्र यादव मारने के लिए हम लोग को आ गए हैं, और पूरे हमारा परिवार डर गया था कि हम लोग कैसे बचेंगे। पूरा परिवार आपका डर गया था? जी जी। उसके बाद अंतिम फोन बात हुई, उसके बाद आप फोन मिलाए परिवार को? फोन मिलाए, लेकिन स्विच ऑफ हो गया मेरा। स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद आप वहां से निकल लिए? निकल दिए। और रह गई बात की मेरी दीदी बोली कि सूचना कैसे मिला है कि मतलब परिवार मर गया है। तो आपको कैसे सूचना मिली? वो गांव के खासी आदमी है लोग, वो आपको फोन किए? जी। क्या कहे वो? कि तुम्हारे परिवार का तुम जहां आओ चुपचाप पटाए रहो, और यहां तुम आओगे तो जा डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेंगे लोग। तो हम और कुछ नहीं मिला, तो हम एक कर्मचारी बस में बैठे थे, वही हमको बुलाए, बोले कि बाबू तुम कप्तान साहब के ऑफिस पे चले जाओ, तुम्हारा वहीं मदद। तो यहाँ उतरे आप, कप्तान साहब से क्या कहे? बोले कि अपनी अपनी परेशानियां बताए तो, और सर मेरी मदद की लो, उनसे बढ़िया कोई अधिकारी है नहीं, हम जानते। चाचा जो है मानसिक रूप से ठीक थे कि नहीं? नहीं। चाचा मानसिक रूप से कहा जा रहा है ठीक नहीं थे।
हल्का फुल्का ठीक थे लेकिन दिमाग उनका काम नहीं करता था। दिमाग बराबर काम नहीं करता। अच्छा ये बताइए, अब आप सरकार से क्या उम्मीद लगाए हैं? लगातार दो दिन से कुछ न कुछ निकल के अखबारों में चैनलों पे सुर्खियां चल रही हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखिए, अवैध कब्जा सरकारी जमीन में, उसे घर बनाए मानस इंटर कॉलेज की जमीन में, यहाँ तक कि तीन बार रिपोर्ट भी हम लोग किए हैं, कागज दबा दिया गया है और ना पैमाइश भी हुआ है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बोलते थे लोग गवाह चाहिए, तो हम लोग किसको गवाह खोजने जाए बताइए आप। और वहाँ पे छः बुलडोजर खड़े हैं, आखिर किस लिए खड़े हैं? अगर जो हमारी भी मकान अवैध कब्जे सरकारी जमीन में हो तो हमारी भी मकान ढहवाया जाए, उसका भी ढहवाया जाए, हमारा ये आश्वासन है। लगातार सदर विधायक आपके सहयोग में है, लगातार सहयोग कर रहे हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं हमारे पूरे परिवार वालों को शांति की श्रद्धांजलि, और 8 तारीख को श्रद्धांजलि अच्छे वाटिका सुंदा में सभी लोग वहाँ उपस्थित हों, सभी विधायक और हमारे माननीय श्री आदरणीय असलम मणि त्रिपाठी भैया। तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी 3-4 दिन बीत गया, क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो हम यही चाहते हैं कि उन लोगों को जो अपराधी हैं, उन लोगों को जितने अपराधी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा मिलनी चाहिए जी। तो अभी आप से लगातार लोग मिलने आ रहे हैं, झुलने आ रहे हैं, अभी कहीं ऊपर से उच्च अधिकारियों का कोई मिलने आया था आपसे? नहीं, बस यही विधायक लोग मिल रहे हैं। कोई अधिकारी नहीं आया आपसे? बस केवल हमारे जो जिसके सुरक्षे में हैं वो हमारे अधिकारी आ रहे थे, यश त्रिपाठी, माननीय श्री यश त्रिपाठी गुरु साहब, सीओ साहब, और हमारे ये आपकी बड़ी बहन कहाँ है इस समय? अमेठी में है जी। वहीं शादी हुआ है क्या उनका? हाँ। अच्छा, लगातार वो संपर्क में है जी, वहीं हमारा देखभाल कर रही है, वही यहाँ तक कि अपने अलावा देखिए उसका भी कुछ ट्रीटमेंट है लेकिन हम बता नहीं सकते, तो उसको हम परेशान नहीं करना चाहते हैं। काफी वो जिस दिन से घटना हुई है परेशान है, ताकि हम कुछ खाए पिए हैं कि नहीं है। हम बोले थे कि तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तुम अपना देखो और हम देख लेंगे। तो अभी आप मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से तो यही, हम आर्डर किसी तरह से आर्डर कर उसका मकान ढहवाए। तो ये देवेश दुबे थे, हम देवरिया में थे, आपको बता दें कि देवेश दुबे जो है एकमात्र इकलौता बड़े बेटे थे जो घर से बाहर थे, जिसके वजह से इनकी जान बच गई और लगातार लोगों को आने जाने वालों का तांता लगा है। लेकिन ये सवाल कर रहे हैं सरकार से कि आखिर उचित कार्रवाई कब तक होगी? लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, यहाँ बुलडोजर खड़ा है, वहाँ खड़ा है, ऐसे खड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि लगातार योगी सरकार जो त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है, आखिर कार्रवाई में इतना विलम्ब क्यों कर